के सैयदपुरा पेट्रोल पंप के समीप मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट कोलकाता की ओर से गत रोज हिजामा कैंप और ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। पिछले कई समय से इस ट्रस्ट द्वारा ऐसे नेक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं और इस बार भी इस हिजामा और ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। और खास बात तो यह है कि इस कैंप में समाज सेवा करने के साथ साथ पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सूरत के भागा तलाव में स्थित मेमेंटोस इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस हिजामा और ब्लड डोनेट कैंप में लोखा सार्वजनिक अस्पताल के स्टाफ ने सेवा दी। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए प्रोग्राम में सभी विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर वहां उपस्थित लोगों के मन मुग्ध किए। इस ट्रस्ट द्वारा आयोजित ब्लड डोनेट कैंप में 200 यूनिट से भी ज्यादा रक्त इकट्ठा करने का संकल्प आयोजक मंडल द्वारा लिया गया। काफी सारे लोगों ने इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कैंप के सहभागी हुए। इस हिजामा कैंप और ब्लड डोनेट कैंप में शहर के काफी महान हस्तियां भी शामिल हुई। इस अवसर पर मेमेंटोस इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल सहित मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट कोलकाता के सभी सदस्य और अग्रणी उपस्थित रहे और इन दोनों कैंप में शेख जमशेद अली साहब की मुख्य भूमिका रही और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। शेख जमशेद अली है। और किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर? ये सैयदपुरा पेट्रोल पंप आरसी गड़ी में हमने हर साल मेडिकल चेकअप कैंप, मुफ्त आंखी तपास मेडिकल कैंप, फिर हिजामा का कैंप, ब्लड कैंप हर साल हम करते हैं। हर साल साल में 6 कैंप हम करते हैं। आज इस साल हमने स्टूडेंट के साथ और गरीबों के साथ जरूरतमंदों के साथ हमने इस कैंप को किया है। पिछले कितने सालों से आप इस तरह का कार्यक्रम? ये एक कैंप जो है 14 साल से मैं करता रहता हूँ। हर एरिया में कैंप होते रहते हैं और इस कैंप के जरिए से मैं चाहता हूँ जितने भी सूरत के अंदर हर मालदार, गरीब, अमीर हर एक इस कैंप को करते रहें, हर एरिया में करते रहे, गरीब और जरूरतमंद के लिए इसका हम संदेश देना चाहते हैं। और किन किन स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट? इसमें हमारा खाली मेहमान जमात का जो है चौक बाजार मेहमान जमात स्कूल का 100 बच्चों ने हिस्सा लिया है इसमें। और इसमें प्रोग्राम वो लोग ने नाद गाया है, इसमें कुरान पाक की तिलावत की है। हमारा एक हुसैन भाई के बच्चा भी कुरान पाक की तिलावत की है, उनको बहुत अच्छा लगा। और ब्लड डोनेट कैंप में कितना यूनिट इकट्ठा करने का? हमने यूनिट करने का 200 की टारगेट है, लेकिन अभी ब्लड डोनेट चालू है और आँख के अंदर कम से कम 50 पेशेंट हो चुका है और जनरल चपाकर में भी 25 पेशेंट हो चुका है। अजू तो 3 बजे तक एक प्रोग्राम चलेगा। और इस कार्यक्रम में किन किन अस्पतालों में सेवा? ये हमारा लोकहित में से हर साल लेते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल से, मेरा 13 हॉस्पिटल में से कैंप होता है। इसमें आज जो प्रोग्राम है जो लोकहित हॉस्पिटल से किया गया है। जी, इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम इसके अलावा कैसे और किए जाते हैं? मतलब ब्लड डोनेट कैंप, हिजामा कैंप, इसके अलावा और कैसे कैसे कार्यक्रम? हिजामा जो कैंप के हमारा जो एम्बुलेंस सर्विस है, लापरवाही डेड बॉडी हम बाई फ्लाइट में भेजता है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, लंदन, अफ्रीका से भी बॉडी हम कनेक्ट करते हैं। और सारे के जो लापरवाही बॉडी है, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उसके ड्यूटी करने का खर्चा हम पूरा उठाते हैं इस ट्रस्ट मेट्रो मेडिकल सम्मान ट्रस्ट कोलकाता। और हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल से और जितना भी मीडिया हमारा ग्रुप है, जितना हिम चैनल है, आपका चैनल है जो है, हम बहुत आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपका मीडिया की बहुत बहुत जो है आप लोग आया है और हम चाहते इस संदर्भ। और आपकी पोस्ट? मैं प्रिंसिपल हूँ मेमन इंग्लिश हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल। आपके स्कूल के मतलब कितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? यहाँ 41 स्टूडेंट्स हैं। जो दीनी तालीम हमारे स्कूल में जो दी जाती है वो भी, और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलती है। और यहाँ के ट्रस्ट ने हमारे जो मैनेजमेंट है उसे इजाज़त ली और उनसे एक करके हमने देशभक्ति गीत के द्वारा यहाँ संदेश भी दिया है। और हमारे जो बच्चे हैं जो नात नज़म में यहाँ सूरत में भी हमेशा अव्वल नंबर रहे, वो बच्चों ने भी यहाँ दीन का माहौल यानी इकट्ठा कर दिया है। ये ट्रस्ट ने ये स्कूल के माध्यम से हमको हमारे बच्चों को जो आगे बढ़ाने का जो हमको यहाँ इन्विटेशन दिया है, उसके लिए हम ट्रस्ट का खास धन्यवाद करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगे और भी ऐसे हर मुस्लिम स्कूलों को ये दावत दें
और मुस्लिम स्कूल आगे बढ़े। इस ट्रस्ट के अलावा आपके स्कूल के बच्चे जो किन किन ट्रस्टों के साथ काम कर चुके हैं? हम तो हमारे स्कूल में मोस्ट ऑफ 15 अगस्त को वहाँ पूरा बॉम्बे ट्रस्ट से माध्यम से मेमन ट्रस्ट से वहाँ हम वो प्रोग्राम करते हैं, और जो हमारी स्कूल के थ्रू जो बाहर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर जैसे खेल महाकुंभ है या फिर कोई नाट्य स्पर्धा हो, ये उसमें हमारे बच्चे जाते हैं। और किन किन थीमों पर आज यहाँ कार्यक्रम करेंगे आपके स्कूल के बच्चे? यहाँ पर है देशभक्ति गीत पर है, और उसके ऊपर हमारे बच्चे कुछ डांसिंग जैसा प्रोग्राम, मतलब जो पुलवामा में आतंकी हमले हुए थे शहीदों को, हाँ वो शहीदों की श्रद्धा भी है, और उसके बारे में भी दो बच्चे हैं जो अपनी नाच से वो बताना चाहेंगे और उनको श्रद्धा जी। और हमारी चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश दें? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये हादसा हुआ है उसमें हमारा पूरा भारत के हर एक नागरिक को हमको साथ देना है। हम इसके यानी एक दुख का मामला है, चाहे एक हो या हजार हो, पर वो भारत का नागरिक, भारत का फर्जी